हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। मुझे तो बहुत नींद आ रही है, बट वी आर बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ एक्सप्लोर द पर्सनालिटी। और आज हमारे साथ हैं उमा कुलसुम वहीद, और वो अपना इंट्रोडक्शन खुद कराएंगी। सो माई नेम इज़ उमा कुलसुम एंड आई हैव बीन वर्किंग हियर एट डेवजिंग फॉर द पास्ट 1.5 ईयर एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो काम के अलावा आप क्या करना पसंद करती हैं, मतलब क्या हॉबीज हैं आपकी? काम के अलावा मुझे बेकिंग, निटिंग और पेंटिंग का शौक, मतलब वो मैं मोस्टली वीकेंड्स पे, क्योंकि टाइम मिलता है तो तब फिर मैं करती हूँ। और मेरा एक पेज है इंस्टाग्राम पे, उस पर फिर मैं ओकेजनली अपलोड करती हूँ कोई भी चीज़ में। इंटरेस्टिंग। अब ऑर्डर्स भी लेती हैं? ऑर्डर्स आज तक नहीं, मतलब अगर कभी टाइम मिले तो, मतलब इतना फ्रीक्वेंटली नहीं। ऑलराइट, सो डेवजिंग में भी बहुत सारे क्लब्स हैं। आर्ट क्लब मैंने ज्वाइन किया, वो मेरा फेवरेट। अच्छा, ऑब्वियसली। तो और कौन से क्लब्स हैं या और कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो डेवजिंग में हैं और आपको लगा कि यार ये जो हुआ है ना बेहतरीन हुआ है? जैसे मेरा फेवरेट आजकल जिम है, और उसके अलावा रीडिंग क्लब के, मतलब हाँ, उसकी वजह से हमने काफ़ी बुक्स पढ़ी और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो आपका क्या फेवरेट है? क्लब ज्वाइन करने में कुछ मैं थोड़ा सा लेजी रही हूँ शुरू से, मतलब यूनिवर्सिटी में भी, लेकिन उसमें यही था कि इधर मैंने आर्ट क्लब ज्वाइन किया और रीडिंग क्लब मैंने कुछ टाइम पहले ज्वाइन किया था, और अब मेरा जिम का इंशाल्लाह इरादा है कि मैं रमजान के बाद काम करना। हाँ, तो टीचिंग से मैंने मेनली स्विच इसीलिए फिर किया था क्योंकि मुझे फील होता है मेरी पर्सनल ग्रोथ आज से नहीं हो रही, जो मैंने पढ़ा हुआ मैं पढ़ा रही हूँ। तो फिर आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर जॉब्स, और डेवजिंग में जब मुझे ऑफर हुए तो तब कोविड वाला सीन था, तो मेरे ऑनलाइन इंटरव्यूज हुए थे, मैंने विजिट नहीं किया था ऑफिस आज से। लेकिन जब मैंने विजिट किया तो मैं इधर फोर्थ फीमेल थी, क्योंकि इससे पहले फीमेल हायरिंग करनी हुए थे, तो मेरे फादर भी मेरे साथ थे, तो मतलब हमें इन्वायरमेंट काफ़ी फ्रेंडली और कम्फर्टेबल लगा कि हमें था कि मतलब इधर कंटिन्यू किया जा सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मुझे आज तक मतलब कोई रिग्रेट है नहीं कि मैंने जॉब स्विच किया और इधर। इवन ऑल्सो आई एग्री के जो आपने पढ़ा होता है, आप अगर उसी फील्ड में आगे एक्सप्लोर करो तो वो आपकी पर्सनल ग्रोथ भी होती है, प्रोफेशनल ग्रोथ भी होती है, तो अच्छा डिसीजन था। अच्छा, तो रिसेंटली अभी आपकी शादी हुई है, कंग्रेचुलेशन। आपने मुझे इनवाइट नहीं किया था लेकिन फिर भी बहुत खुशी हुई सुन के। अच्छा, तो काफ़ी लड़कियाँ होती हैं जो शादी के बाद जॉब कंटिन्यू नहीं करती हैं, और मुझे बड़ा देख के बड़ा दुख होता है कि मतलब इतने साल आपने इन्वेस्ट किया है अपनी एजुकेशन पे, उसके बाद आपने स्किल्स डेवलप की और आप फिर छोड़ देते हो। तो ये चीज़, ये सिचुएशन आपके लिए कैसी थी, मतलब आप ये कैसे मैनेज कर रही हो? मेरे लिए सिचुएशन इसीलिए मेरे फेवर में थी क्योंकि शादी से पहले मेरे पेरेंट्स की काफ़ी सपोर्ट थी, इसी वजह से मैंने जॉब स्टार्ट की। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इन-लॉज की तरफ से काफ़ी सपोर्ट है कि मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। उसके अलावा अगर ऑफिस एनवायरनमेंट की बात करें तो, मतलब जब मेरा फर्स्ट डे मैंने शादी की छुट्टियों के बाद ज्वाइन किया वापस, तो टीम लीड ने मुझसे खुद पूछा कि क्या आपको, क्या मतलब जाहिर सी बात है कि शादी होगी तो क्या आपकी टाइमिंग्स, आपको क्या प्रेफरेबली सूट करती हैं, तो मुझे काफ़ी सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिला हर तरफ से, जिसकी वजह से मैं जब वर्क एनवायरनमेंट भी सपोर्टिव हो, फैमिली भी सपोर्टिव हो, तो बंदा इजीली मैनेज कर लेता है। अच्छा, फन सेगमेंट की तरफ चलते हैं। कुछ फन सिचुएशंस हैं जो मैं आपको दूंगी और आपने बताना है उस सिचुएशन को सुनते हुए कि आप उस सिचुएशन में क्या करेंगी, ठीक है? सो एक सिचुएशन है कि सेम टाइम पे यू हैव अ डिनर विद योर न्यू फैमिली एंड उसी टाइम पे आपकी बहुत इंपॉर्टेंट टीम मीटिंग है, तो आप इस सिचुएशन में क्या करेंगी? खाने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं होता, तो डिनर विद फैमिली, फूड ऑलवेज। यू हैव अ क्लाइंट कॉल एंड साइड बाय साइड यू हैव योर हस्बैंड कॉलिंग यू, हु विल यू आंसर? डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसमें फिर दोनों को होल्ड पे लगाऊंगी, थोड़ा सा रिलैक्स हूँ, सोचूंगी क्या करना है, और वन बाय वन दोनों को टाइम। बेहतरीन। थर्ड सिचुएशन वुड बी के आजकल की सिचुएशन में आपकी, व्हाट डू यू प्रेफर, वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम ऑफिस? इस केस में डेवजिंग की हमेशा से पॉलिसी फ्लेक्सिबल रही है वर्क फ्रॉम होम की, तो मैं पहले भी मतलब इजीली, मतलब अगर वर्क फ्रॉम होम रिक्वायर्ड होता है, घर पे कोई काम है, वैसे ऑफिस आने का दिल नहीं कर रहा तो वर्क फ्रॉम होम ले लिया करती, तो अभी भी इसी तरह है कि जब वर्क फ्रॉम होम चाहिए तो वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस तो ऑफिस, फ्लेक्सिबल है तो इसलिए मैनेज हो जाता है। सही है। माई लास्ट क्वेश्चन वुड बी के जैसे काफ़ी लड़कियां हैं, जैसे पहले मैंने मेंशन किया कि शादी के बाद जॉब कंटिन्यू नहीं करती हैं, बट आपने किया और भी हमारे ऑफिस में इतनी लड़कियां जिन्होंने किया, तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी, आप क्या कहना चाहेंगी उनको जो अभी फ़िलहाल इस सिचुएशन में है कि हमें क्या करना चाहिए, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए?
इसमें यही है कि कुछ लड़कियां होती हैं जो जिनका खुद दिल होता है कि उन्हें शादी के बाद जॉब ऐसे कंटिन्यू नहीं करनी, लेकिन अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, आपका ऑफिस एनवायरनमेंट सपोर्ट कर रहा है इसको कि आप मतलब शादी के बाद जॉब कर, तो आपको कंटिन्यू करनी चाहिए। जाहिर सी बात है आपने आपकी पेरेंट्स ने आप पे इतना टाइम इन्वेस्ट किया, आपने खुद अपने एजुकेशन पे इतना टाइम इन्वेस्ट किया, तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, आपको जॉब करनी चाहिए, ज़ाया नहीं करना चाहिए। सही है उम्मीद, बहुत मज़ा आया आपसे बातें करके। थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।